Hello everyone, I welcome you all. So in this video, we are going to see about Gandhi and mass movement. Gandhi और जन आंदोलन के बारे में देखना हम शुरू करेंगे. ये हमारा part one है Gandhi and mass movement के ऊपर. So सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो इतना पॉपुलर हुए एंड जो आंदोलन चल रहे थे भारत के अंदर वो जन आंदोलन में परिवर्तित हो गए जब गांधी जी इंडिया वापस आए. तो हम देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी के अंदर जो है चिंगारी निकलती है, किस तरीके से वो साउथ अफ्रीका जब जाते हैं तो उनके अंदर चेंजेस आए एंड उन चेंजेस की वजह से ही जब वो भारत वापस आते हैं तो जो आंदोलन था भारत की आज़ादी का उससे जन आंदोलन का रूप दिया गया गांधी के व्यक्तित्व के अंदर. तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले गांधी जी के एक विचार पढ़ लेते हैं. योर बिलीव्स बिकम योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस बिकम योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यूज एंड योर वैल्यूज बिकम योर डेस्टिनी. सो आपके जो विचार हैं वो आपके शब्द बनते हैं, आपके जो शब्द हैं वही आपके एक्शन बनते हैं, आपके जो एक्शन होते हैं वही आपकी हैबिट बनती है, आपकी जो हैबिट है वही आपकी वैल्यूज डिफाइन करती है एंड आपकी जो वैल्यू है वही डिफाइन करती है आपकी डेस्टिनी. अगर हम इन चीज़ को संक्षिप्त में एक लाइन में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आपके जो विचार हैं वही डिफाइन करते हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी. तो जिस तरीके से आप सोचते हैं उस तरीके से ही डिफाइन होता है कि आप किस स्तर पे हैं, किस स्तर पे आप पहुंच सकते हैं. तो चलिए इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात. मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर में, गुजरात में. After getting his legal education in Britain, he landed at Durban in 1893 on a one-year contract to sort out the legal problems of Dada Abdullah, a Gujarati person. उन्होंने अपना लॉ का जो डिग्री है वो कंप्लीट किया इंग्लैंड से. उसके बाद फिर वो एक साल के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहुंच गए डर्बन. डर्बन कहाँ है? साउथ अफ्रीका. सो गांधी जी 1893 में अपना लॉ की डिग्री पूरा करने के बाद डर्बन जाते हैं और डर्बन में वो जाते हैं दादा अब्दुल्ला नाम के एक गुजराती पर्सन होते हैं, उनके कुछ लीगल प्रॉब्लम होते हैं उसको शॉर्ट आउट करने के लिए. एंड यहाँ से गांधी के अंदर एक परिवर्तन आया. गांधी जो है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने इंडिया आके लॉ प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं की थी. गांधी जी इंडिया आए थे, उन्होंने बॉम्बे में भी लॉ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, बट यहाँ पे उनको वो एनवायरनमेंट रास नहीं आया. उसके बाद फिर जब दादा अब्दुल्ला के द्वारा उनको ऑफर मिला तब वो साउथ अफ्रीका चले गए एंड वहाँ पर उन्होंने लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दिया. देन गांधी जो थे साउथ अफ्रीका में वो फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में जाके बैठे. ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आई होप कि आप लोगों को पता होगी कि गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो वो पहले दर्जे के कंपार्टमेंट में बैठे थे, बट जो वाइट पीपल थे, मेन जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे, उन लोगों ने बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ, आपकी औकात नहीं कि आप पहले दर्जे में बैठ सकते हो. सो गांधी ने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं हटूँगा भाई, मैंने तो टिकट लिया हुआ है. सो वहाँ पे कुली वर्ड से इंडियंस लोगों को चिढ़ाया जाता था, मीन्स कलर के कलर के बेस पे जो रेसिज्म जो किया जाता था उसके लिए वो लोग एक वर्ड यूज़ करते थे कुली. सो वहाँ पे गांधी जी को कुली वर्ड से प्रोनाउंस किया गया, मीन्स बोला गया एंड बोला गया कि नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पहले दर्जे में बैठ सकते हो, यू आर नॉट परमिटेड. सो गांधी जी ने इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया एंड उन्होंने अपना टिकट निकाल के दिखाया, बट फिर भी उनको वार्न किया गया कि अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं हटे तो हमें फोर्सफुली तुम्हें यहाँ से निकाल के फेंकना पड़ेगा. और गांधी जी ने उस बात को भी मानने से इनकार किया एंड उन्होंने बोला नहीं, मेरे पास टिकट है, मैं पहले दर्जे में ही बैठ के जाऊँगा. तो जो वाइट पुलिस ऑफिसर था
उसने गांधी जी को ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया और उनके सामान को टॉस कर दिया प्लेटफॉर्म पे, मींस उनके सामान को फेंक दिया प्लेटफॉर्म पे, और इस तरीके से ट्रेन जो है आगे निकल जाती है सीटी बजाते हुए और गांधी जी वहीं पे रह जाते हैं। और गांधी जी जो हैं पूरी उस समय अपना पूरा टाइम फिर वो निकालते हैं वेटिंग रूम में, और उस समय बहुत ही सर्दियों की रात होती है, ऐसा लिखा है उन्होंने अपने बुक के अंदर, ऑटोबायोग्राफी के अंदर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में। सो यहाँ से एक चीज़ अगर देखे तो कहीं ना कहीं एक स्पार्क जो था वो इग्नाइट हुआ था। गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम पहले दर्जे में बैठो, सो वो चिंगारी कहीं ना कहीं गांधी जी के अंदर थी। एंड पहले उन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम किया साउथ अफ्रीका में रह के, उसके बाद फिर अपने ही देश में आके गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के नाक में इतना दम किया कि उनको यहाँ से जाना पड़ा। सो उसके बाद फिर कुछ टाइम उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्पेंड किया एंड उन्होंने इस इशू को उठाया इन इंडियंस जो वहाँ के इंडियंस थे उन इंडियंस के बीच में इस इशू को उठाया कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, इतनी हमारी औकात है कि हम फर्स्ट क्लास के टिकट को ख़रीद सकते हैं, तो हम ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते, हमें ट्रैवल क्यों नहीं किया करने दिया जाता है, इस चीज़ के प्रति हमें आवाज़ उठाना चाहिए। फिर उस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया और इंडियन जो लोग थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में उन सब का एक संगठन बनाया, और फिर एक जब आवाज़ उठी तब इंडियंस लोगों को ये इजाज़त मिली कि हाँ आप लोगों को फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास जो टिकट है वो इशू किया जाएगा और आपको इजाज़त है फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास में बैठने के लिए, बट एक कंडीशन है कि अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अगर अच्छी है, मीन्स आपने अगर ड्रेस अच्छे तरीके से किया है तो ही आपको सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में बैठने की इजाज़त दी जाएगी। सो ये जो था ये एक पार्शल विक्ट्री था जो व्यवहार किया गया था गांधी जी के साथ, उस नॉट ओनली गांधी जी के साथ और भी जो इंडियंस थे वहाँ पे उनके साथ ये जो व्यवहार किया जा रहा था उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, मीन्स उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने पहला स्टेप लिया था, उस स्टेप में ये छोटी सी जीत थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने इंडिया से अंग्रेजों को निकाल फेंका। ड्यूरिंग हिज स्टे इन प्रिटोरिया में वो कुछ दिनों तक रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने 80 किताबें पढ़ी अलग अलग धर्मों की। एंड गांधी जी जो थे वो भगवत गीता से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे एंड भगवत गीता को ही उन्होंने फॉलो करने की कोशिश किया था, और वो जब उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी, बोला जाता है कि अनऑफिशियली रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा गांधी का नाम दिया था, सो उस समय से सारी जो पब्लिक थी इंडिया की वो गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से बोलने लगी। बट इनके जो ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो प्रीफेस में ही, मीन्स बुक के इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने कह दिया कि ये जो उपाधि मुझे दी गई महात्मा की वो मुझे कभी पसंद नहीं है, कभी मुझे रास नहीं आई, उस उपाधि से हमेशा मुझे तकलीफ ही हुई है, उस उपाधि को जब भी मैं याद करता तो मुझे कभी अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला नहीं, कभी खुशी मिली नहीं, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अपने आप को मैं जान सकूँ। सो वो जो इंस्पिरेशन था अपने आप को जानने का वो उनको भगवद गीता से मिला था। एंड वो जब स्टे कर रहे थे साउथ अफ्रीका में उस समय लगभग उन्होंने 80 किताबें पढ़ रखी थी अलग अलग धर्मों के ऊपर। देन 1896 में गांधी जो हैं वो एक पॉलिटिकल लीडर की तरह एस्टेब्लिश हो जाते हैं साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें किए, जो गोरे काले का भेद बहुत चल रहा था, देन वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था लोकल पीपल के बीच में, देन कुछ सिविल वार्स चल रहे थे, उन सब चीज़ों के अंदर गांधी जो थे इन्वॉल्व हो रहे थे एंड जो गरीब जनता थी जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था उनके सपोर्ट में थे, तो धीरे धीरे उनको पब्लिक सपोर्ट मिलने लगा गांधी जी को, और इस तरीके से गांधी जी हैं वो एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में स्थापित हुए 1896 तक साउथ अफ्रीका में। एंड यहाँ से नॉट ओनली 1896 ये आगे तक कंटिन्यू करते हैं, और जब इंडिया आने वाले होते हैं उससे पहले तक, मीन्स 1914 तक गांधी की जो बातें हैं वो पहुंच जाती है इंडिया, और बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर उस समय चल रहे होते हैं उन सब के अंदर गांधी जी के इन बातों का चर्चा होता है कि किस तरीके से गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में गरीबों के लिए लड़ा, मींस जो डिप्राइव्ड क्लासेस थे उनके लिए लड़ा और उनको अपना हक दिलवाया। और जब गांधी वापस आते हैं तो बीच में वर्ल्ड वार चालू हो जाता है 1914 में, जिसकी वजह से वो इंडिया आते आते उनको जनवरी हो जाता है। सो गांधी जी इंडिया
में अराइव कर जाते हैं 9th जनवरी 1915 को। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है 9th जनवरी 1915 इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गांधी जी इस दिन वापस आए इंडिया में, और 9 जनवरी को हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस हम क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे इंडिया। ठीक है, सो एनआरआई डे जो है 9 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जी जब वापस रिटर्न हुए थे उस डेट को याद करने के लिए। देन जब गांधी जी 1915 में वापस आ जाते हैं, तब 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम उन्होंने खोला। और साबरमती आश्रम जो है उन्होंने क्यों खोला, उनका साबरमती आश्रम खोलने के पीछे मोटिव ये था कि उनके जो दोस्त हैं और उनके जो फॉलोवर्स हैं वो प्रैक्टिस करें आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, क्योंकि यही दो चीज़ों को बेसिस बना के एक्सपेरिमेंट किया था साउथ अफ्रीका में उन्होंने, एंड उनको सक्सेस भी मिला था। तो वो चाहते थे कि जो ट्रूथ है और नॉन वायलेंस है उसकी प्रैक्टिस उनके दोस्त और उनके जो फॉलोवर्स हैं वो सब करें, इसलिए उन्होंने एक आश्रम खोला साबरमती आश्रम अहमदाबाद में 1916 में। देन ही ऑल्सो सेट आउट टू एक्सपेरिमेंट विद हिज न्यू मैथड ऑफ स्ट्रगल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और इस तरीके से उन्होंने सोचा कि ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को हथियार बना के इस एक्सपेरिमेंट किया जाए, और जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था साउथ अफ्रीका में उसी चीज़ को यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जाए और भारत को आज़ादी दिलवाई जाए। देन महात्मा गांधीज लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इज अ यूनिक वन इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। अगर हिस्ट्री में देखें, ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में देखें, तो गांधी जी का जो लीडरशिप था ये टोटली डिफरेंट था, बिल्कुल ही यूनिक था। क्यों यूनिक था, क्योंकि ये नॉन वायलेंस पे बेस्ड था, सत्याग्रह पे बेस्ड था, एंड इसके अंदर ह्यूज नंबर ऑफ जो कॉमन पीपल थे उनको इन्वॉल्व किया जा रहा था। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो गांधी जी का लीडरशिप था वो टोटली यूनिक हो जाता है ह्यूमन काइंड के अंदर। मास मोबिलाइजेशन ऑन ए वाइड स्केल वाज अंडरटेकन ड्यूरिंग गांधीयन फेज ऑफ मूवमेंट। और गांधी जी जब वापस आ जाते हैं 1915 में, तब उनके जो पॉलिटिकल गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, वो उनको बोलते हैं कि देखो तुरंत तुरंत स्टार्ट मत कर दो, पहले यहाँ की चीज़ों को एनालाइज करो, देखो कि यहाँ की पब्लिक जो है किस कंडीशन में है, यहाँ पे किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं इनको प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसके बाद ही कुछ एक्शन लेना, तुरंत ऐसे एक्शन मत लो वरना कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गांधी जी जो हैं लगभग 2 साल वो बस इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में घूम के देखते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारी जो जनता है उनका क्या हाल है, उसके बाद फिर 1917 से वो स्टार्ट करते हैं अपना मूवमेंट। सो और जब गांधी जी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो आम जो जनता है वो बहुत बड़े तौर पर इस मूवमेंट में शामिल होती है, और इस तरीके से जो मूवमेंट जो चल रहे थे वो मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकेम ए मास मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो चल रहा था, बट गांधी जी के आने के बाद, गांधी जी का लीडरशिप मिलने के बाद वो मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। मीन्स देश की हर एक जनता जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, चाहे वो कितना भी फाइनेंशियली छोटा क्यों ना हो या फिर कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सब लोग इन्वॉल्व हो गए। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी टू इंडिया एंड इंडियन मासेस हैड बीन थ्रू द पावरफुल मूवमेंट्स विच ही लॉन्च थ्रू द नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेस बना के गांधी जी ने बहुत सारे पावरफुल मूवमेंट्स लॉन्च किए, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो तंग आ गए थे, परेशान आ गए थे। गांधी फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह केम इन 1917। गांधी जी का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह का वो हुआ 1917 में, कहाँ पे, चंपारण में। चंपारण कहाँ है, तो चंपारण बिहार में पड़ता है। चंपारण में क्या होता था, where the peasants were forced by the European planters to grow indigo on 3/28 of their land and sell it to fixed price by the planters. वहाँ पे जो planters थे, peasants थे, उनको force किया जाता था तीन कठिया सिस्टम को फॉलो करने के लिए। तीन कठिया सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 20 units of land है तो 3 units पे आपको इंडिगो की प्लांटिंग करनी है, मींस नील की खेती करनी है, और नील की जो खेती होगी उससे जो प्रोडक्शन होगा वो आपको एक फिक्स रेट पे यूरोपियन प्लांटर्स को बेचना है, एंड अगर कुछ लॉस होता है, मींस खेती नहीं हो पाती है उतनी, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा यूरोपियन प्लांटर्स को, मींस उनके ऊपर जो है एक तरीके से
टैक्स मार दिया जाता था कि आपने इतना प्रोडक्शन नहीं किया वगैरह वगैरह। तो ये तीन कटिया सिस्टम के ऊपर जो बेसिस पे जो चीज़ें चल रही थी, जिसके अंदर फोर्स किया जा रहा था इंडियन पीजेंट्स को, इंडियन जो फार्मर्स थे उनको इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, उस चीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह है वो स्टार्ट किया चंपारण में, बिहार में। एंड उस समय बाबू राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, जे बी कृपलानी एंड नरहरि पारेख और महादेव देसाई जो हैं गांधी जी के साथ मिलके पहुंचते हैं चंपारण 1917 में। सो यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे इन सब का एकजुट होना जो है हो जाता है, एकजुट हो जाते हैं और ये सब आगे जाके जो इंडियन मास मूवमेंट है उसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। देन 1918 में क्या होता है, गांधी जी जो हैं एक और चीज़ अपने हाथ में लेते हैं और वो है वर्कर्स एंड ओनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में उसके अगेंस्ट। मीन्स उस समय हुआ क्या कि अहमदाबाद के जो वर्कर्स हैं, अहमदाबाद कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे उनको मिला था 35% इंक्रीज, मीन्स उनका जो तनख्वाह था वो इंक्रीज कर दिया गया था, क्योंकि 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार चल रहा था। सो 1914 में जैसे ही वर्ल्ड वार चालू हुआ तो जब भी वार होता है तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, तो कंपनी जो थी वो सोच रही थी कि अगर वर्कर्स को ढंग से थोड़ा सा इंक्रीमेंट दे दिया जाए तो वो चीज़ें ढंग से खरीद सकते हैं एंड वो ऑफिस जो है टाइम पे आएंगे, वो जॉब छोड़ने की नहीं सोचेंगे। तो इस वजह से वर्ल्ड वार की वजह से उनको इंक्रीमेंट दिया गया था, उसको प्लेगी बोनस कहा गया था। सो जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ 1918 में तो ओनर्स ने बोला कि वर्ल्ड वार अब ख़त्म हो गया, चीज़ों के प्राइस घट जाएंगे, सो हम ये जो तुम्हें हाइक दिया था वो हम वापस लेते हैं। बट जो वहाँ पे वर्कर्स थे उन्होंने बोला नहीं, हमें ये इंक्रीमेंट चाहिए, चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं एंड पिछले चार सालों में पाँच सालों में आपने हमें कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया है, सो ये इंक्रीमेंट हमारे पास रहने दीजिए। बट ओनर्स बोलते हैं नहीं, हमें ये वापस लेना है, तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, 1914 में जो तुम्हारा ये था पेमेंट उतना ही रहेगा। सो इस चीज़ के लिए जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे आ जाते हैं और इस स्ट्राइक का सपोर्ट किया गांधी जी ने। और ये जो 1918 का अहमदाबाद का जो स्ट्राइक है, मिल स्ट्राइक है, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज गांधी जी ने पहला अपना हंगर स्ट्राइक जो है वो यहीं पे किया था। एंड ये जो स्ट्राइक है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये वर्कर्स के लिए पहली बार इनिशिएट किया गया था इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। सो आप देख सकते हैं कि पहले जो खेती वाले थे उनके साथ मिलके उनको उनका हक दिलाया, देन अब आए वो उन लोगों के हक दिलवाने के लिए जो कंपनी में काम कर रहे थे। तो इस तरीके से गांधी जी ने अपने आप को देश की जनता के साथ जोड़े रखा और हंगर स्ट्राइक हुआ। एंड यहाँ पे वो हर दिन गांधी जी हर दिन हर सुबह जो वर्कर्स थे उनको मोटिवेट करते थे, उनको गाइड करते थे कि आगे क्या क्या करना है, किस तरीके से नॉन वायलेंस को जो है वो फॉलो करना है एंड ट्रूथ को फॉलो करना है। और इस तरीके से मोटिवेट करते करते अल्टीमेटली उनको 35% इंक्रीज जो है दिलवाया गांधी जी ने ओनर्स के द्वारा, वर्कर्स के पेमेंट में 35% इंक्रीज हो गया। देन 1918 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खेड़ा जो है वहाँ पे सत्याग्रह किया गया, खेड़ा के जो पीजेंट्स थे, द खेड़ा पीजेंट्स स्ट्रगल इन्वॉल्व गांधी जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलके खेड़ा सत्याग्रह करते हैं एंड वहाँ पे भी एक ये जो है सिग्निफिकेंट स्ट्रगल होता है। उसके बाद इन तीन सिग्निफिकेंट स्ट्रगल की वजह से गांधी जी जो हैं वो क्लोज कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं मासेस के, यानी कॉमन पीपल के बहुत ही करीब आ जाते हैं इन तीनों जो सत्याग्रह थे उनकी वजह से। देन फरवरी 1919, अगर 1919 का देखें हम तो 1919 का जो फेज़ है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रोलेट सत्याग्रह उस समय चालू किया जाता है, क्यों? तो रोलेट एक्ट जो पेश किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके अंडर बोला जाता है कि हम किसी भी इंडियंस को कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, हमें कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरीके से 1919 में जो है सत्याग्रह सभा का स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा, हुज मेंबर्स टुक अ प्लेस टू डिसओबे द एक्ट एंड दस द कोर्ट अरेस्ट एंड इम्प्रिजमेंट। और
जो ये सत्याग्रह सभा का अनाउंसमेंट हुआ, फाउंडेशन हुआ, उसके तहत लोगों ने कसम खाई कि वो डिसओबे करेंगे जो रॉलेट एक्ट है एंड जो भी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर जो फॉलो करवाई जा रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। देन मार्च एंड अप्रैल 1919 में जो है एक बहुत ही रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई इंडिया में एंड ऑल इंडिया हड़ताल जो है वो बुलाया गया था गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 को। एंड ये सब किस लिए हो रहा था, तो रोलेट एक्ट को विद्रोह करने के लिए। देन पीपल रिस्पॉन्डेड विद ग्रेट इंथुजियाज्म, जो जनता थी, जो आम पब्लिक थी, वो बहुत ही बढ़ चढ़ के जोश खरोश के साथ इस मूवमेंट में शामिल हुई। देन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हो जाता है, जिसके अंदर जलियांवाला बाग में कुछ जो जनता होती है, इंडियन पीपल होती है, वो जमा होती है पीसफुली मीटिंग करने के लिए। बट वहाँ पे जनरल डायर आ जाता है एंड उसने विदाउट वार्निंग गोलियाँ चलवा दी वहाँ पे। द अनआर्म्ड क्राउड हैड गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग इन डिफेंस ऑफ द बैन ऑन पब्लिक मीटिंग to protest against the arrest of their popular leader Dr. Saifuddin and Dr. Satyapal. जो Dr. Saifuddin थे and Dr. Satyapal थे, ये बहुत ही बड़े political leader थे, बहुत popular political leader थे, तो Rowlatt Act के तहत इनको जो है कैद कर लिया जाता है without giving any reason और इनको नज़रबंद कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को protest करने के लिए शांति बड़ी meeting जो है वो बुलाई जाती है जलियांवाले बाग में, बट वहाँ पे जनरल डायर आता है एंड गोलियाँ चलवा देता है। एंड जब जलियांवाला बाग का ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड का जो उपाधि उनको दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो रिटर्न कर दिया था। सो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में से हम स्टार्ट करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, और किस तरीके से गांधी जी ने उसके अंदर लीडरशिप को कंट्रोल किया एंड उन चीज़ों को मास में कन्वर्ट कर दिया, मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।